वेलकम बैक गाइस एट ज्योत एक्सपीडिशंस। आज हम आए हैं एक थोड़ी सी वीरान जगह पे जो हमारे घर के बिल्कुल पास है। एक कैनाल चल रही है इधर, तो आज थोड़ा सा इधर घूमने के लिए आए थे हम। तो आगे जाके जब देखा तो रास्ता ब्लॉक है, आगे रास्ता ब्लॉक, और हम अभी देख ही रहे थे कि कैसे निकलें। तो देखते हैं अभी। ये मेरे फ्रेंड कुछ देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है रास्ता। तो अभी हम अपने बहादुर घोड़े को यहाँ से कैसे लेके जाएंगे तो देखते हैं। हम बहुत दूर से इधर आ रहे थे, ये कच्चा रास्ता था। तो आपको पहले मिलाते हैं हमारे फ्रेंड रणजीत राय के साथ। हेलो रणजीत। हेलो मनी। हेलो सनी। ये मनी सनी गनी ऐसे ऐसे बड़े नाम चल रहे हैं आजकल मार्केट में। तो अब देखते हैं इधर, ये एक थोड़ा सा वीरान रास्ता है। कल काफ़ी बारिश हुआ था रात को, तो आज देखते हैं थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं। चलें गाइस, चलो चलो आ जाओ। काफ़ी टाइम से हम आने का प्लान कर रहे थे इधर, बट आ नहीं हो रहा था किसी ना किसी काम की वजह से। गाड़ी का कोई दिक्कत नहीं है, इधर कोई नहीं आएगा, चाबी तो अपने पास है। तो ये है बांस के दरख्त हैं, बैम्बो ट्रीज। की कर देते हैं यार गाड़ी लॉक, या नाउ इट्स लॉक। तो इधर आ जाते हैं, देखते हैं, आपको एक चीज दिखाते हैं। हम कैनल के बिल्कुल पास आ गए हैं और कैनल का पानी काफी कम है इस वक्त। क्या कहना चाहोगे रणजीत? ध्यान से चलो, इधर कांटे हैं। ऑन द दिस वे, बिल्कुल ब्रेक पे पैर, ब्रेक पे पैर, ध्यान से जाना, नहीं तो नदी में गिर जाएंगे अगर ब्रेक नहीं लगे। ये देखो गाइस हमें क्या मिला इधर, पास पास। अरे ये क्या हुआ हुआ है, कपड़ा है इधर तो परफेक्ट। कपड़े धोते होंगे इधर भैया लोग आकर। तो ये आई थिंक पीछे से वह कर आया हुआ है, पानी अभी तो कम है, पहले बहुत ज्यादा था पानी। ओके हाँ, आजकल इस सीजन में थोड़ा सा कम हो जाता है। ये हमारे रूपनगर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है कैनल, तो इसमें सतलुज नदी का पानी होता है, सतलुज रिवर के आसपास। तो अभी हम चलते हैं वापस, पहले तो गाड़ी का देखें आगे कैसे जा होएगा, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखते हैं, पहले गाड़ी का निकालने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरे ये बहुत नीचे आ गए थे हम। पहले हमें गाड़ी निकालनी पड़ेगी। रणजीत आ जाओ, गाड़ी निकालें पहले। चलो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। एक चीज और है, आज कुछ एडवेंचर हो जाएगा। ऐसे करते हैं, एडवेंचर के पहले इसके मिरर्स को ब्लैक करते हैं। एक्चुअली हाँ। मैंने लास्ट टाइम अमेज़न से मंगाया था एक पार्सल, तो वो हमने ओपन तो कर लिया था बट टाइम नहीं लगा उसको सेटअप करने के लिए। तो अभी देखते हैं उसको सेटअप करते हैं। वो शेड्स हैं विंडो की, लाइक अ कर्टन। तो अभी देखते हैं, गाड़ी में ही पड़े हैं, उसको हम करते हैं पहले फिट करते हैं, फिर निकालते हैं यहाँ से गाड़ी। तो सनी जस्ट ओपन द बैक, ओपन द बूट प्लीज। तो ओ ओके, गाड़ी लॉक है।
एक्चुअली ये ओके नाउ इट्स ओपन आई थिंक इट विल तो ओके तो ये थे हमारे पास कुछ पड़े मंगाए अमेजोन से आई थिंक ये किस चीज़ का कवर है आई थिंक इट्स अ डिगी कवर फॉर हियर तो ये कीजिए पकड़िए इसको सेट करके देखते हैं किधर को लगेगा रे भैया तो ये इस विंडो का होगा आई थिंक ड्राइवर्स बैक विंडो तो ये देखो गाइस इसमें ना एक्चुअली मैग्नेट के कुछ स्ट्रिप्स होते हैं जो इसको कैच कर लेते हैं इजीली यहाँ पे लगाया और ये छोड़ दिया और ये हो गया दैट्स इट तो दो ये ओके तो ये छोटे भी निकले हैं ये किधर लगेंगे आई थिंक ये हैं इन विंडोज़ के ये इसको आएगा करण जी ये लग पा रहे हैं इधर लग जाएंगे एक मिनट रुको मैं दूसरा ट्राई करता हूँ ये देखो इजीली लग गया तो ये इस तरफ का होएगा इसको हम इस तरफ कैच करवाते हैं सनी इनको आगे सेट कीजिए दूसरों को तो ये आप कर दीजिए दिस साइड कंडक्टर साइड एंड इसको आप दूसरी तरफ सेट कीजिए ड्राइवर साइड तो ये एक पीस रह गया है तो इसको हम इधर सेट करते हैं ये इधर गाइस इज इट ओके ओह ये नहीं लगा ये देखो निकल गया है अभी इसको लगाते हैं दोबारा से ये अभी बहुत अच्छी चीज़ आ गई है कि ये वाले पार्ट्स भी साथ में अब मिलने लग गए हैं पहले जो पुराने वाला गाड़ी था उसके साथ ये वाले पार्ट्स नहीं आते थे तो नाउ इट्स ओके जस्ट क्लोज द बूट तो अभी ड्राइव करते हैं तो देखते हैं कैसे निकलता है उधर एक बार देख रहे किधर से निकालें मेरे हिसाब से इस तरफ को पैच हाँ अच्छा रहेगा सही है तो आप रणजीत तो उस तरफ खड़ी है तो मैं निकालता हूँ आप थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा तो अभी देखिए इसका लुक सही आ रहा है इजी टास्क था इसके लिए एक्चुअली इस ब्रेजा का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो दिखाइए सोनी जी बहुत ही हाई है इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 208 mm तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा आप देखिए एक हल्के से धक्के से ही ये गाड़ी ऊपर चढ़ गया तो चलो गाइज अब देखते हैं आगे का सफ़र शुरू करते हैं तो गाइज अब कर्टन्स हमारे जो शेड्स हैं तो ये इंस्टॉल कर लिए हमने पूरी गाड़ी में तो अभी चलते हैं आगे का आपको सफ़र दिखाते हैं कि कैसे होएगा काम तो एसी हमने ऑन कर लिया है एक्चुअली इधर बहुत गर्मी हो रखा है तो किधर को चलें अभी आगे चलें या लेफ्ट या राइट जिधर से आए उससे लेफ्ट राइट हो जाए आई थिंक हमें ये राइट के तरफ से जाना चाहिए हाँ। तो चलते हैं मिलते हैं आगे गाइस आपको तो इधर गाइस काफ़ी सारे एडवेंचर्स हमें देखने को मिलेंगे जैसे ये वाटर का है तो अभी देखते हैं इधर से कैसे निकालें हम आई थिंक इजी से ही निकल जाएंगे ये फर्स्ट में ही रखते हैं हम तो कोई दिक्कत है नहीं मेरे हिसाब से
काफी अच्छा एडवेंचर हो रहा है इधर, तो अभी इसमें देखते हैं। बहुत अच्छा एडवेंचर निकल रहा है इधर से। तो ये दिखाओ रणजीत, तो ये सारा ही इलाका ऐसे ही वीरान पड़ा रहता है, तो इधर फोटो शूट के लिए लोग आते रहते हैं काफी सारे, प्री वेडिंग्स भी होती हैं इधर। बस इसी सीजन में आपको ये घास कम दिखाई देगी, इसके बाद अभी गर्मी का सीजन चलेगा, जैसे समर्स कंप्लीट होने वाला होगा और मॉनसून स्टार्ट होने वाला होगा, फिर ये काफी बड़ा हो जाएगा घास, तो इधर फिर बड़ी मुश्किल से ही कोई एक्टिविटी हो पाता है। ठीक हो अंकल? तो ये भी एक डिवाइस है हमने लगाया है, जल्दी जहां से हटो। तो इसमें कुछ साइरन्स हैं, जैसे हॉर्न है, तो आप सुन पा रहे हैं गाइस। तो ये बाकी हूटर्स हैं और इनको हम चलाते नहीं हैं एक्चुअली, हमने ये सिर्फ और सिर्फ माइक के लिए ही यूज किया है। गाइस ये सनी हमें ना गलत रास्ते पे ले आया, एक्चुअली ये तो सिटी की तरफ आ रहा है दोबारा से, मुझे भी काफी समय हो गया था इधर आए को, तो ये इंडस्ट्री एरिया आ गया है, राइस शेलर्स आ गए हैं, तो अभी आई थिंक वो मुझे रोड दिखाई दे रहा है। रणजीत आपको दे रहा है वो रोड? हाँ, आगे रोड है, आगे रोड है, वो मेन रोड निकल आया है, स्टेट हाईवे पे आ गए हैं हम, तो अभी पीछे बहुत निकल गया है, काफी दूर आ गए हैं हम, कम से कम 15-20 किलोमीटर आ चुके हैं, तो फिर किसी दिन हमें वापस जाना पड़ेगा। अभी इस तरफ जाएंगे तो हमारा एक्चुअली एक मीटिंग है क्लाइंट के साथ, तो वो लेट हो जाएगा, एक्चुअली क्लाइंट जॉब करते हैं तो उनके पास संडे का ही टाइम था मिलने के लिए, तो फिर कभी इस तरफ आते हैं। और मेरे हिसाब से इसका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा है गाड़ी, बहुत बढ़िया रहा है, कहीं पे भी स्किट की नहीं किया है गाड़ी ने, और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है उसका बहुत फायदा मिलता है। हाँ वो तो सही है, ऐसा है ना कहीं ज्यादा गहरा खड्डा है उसमें से निकालना हो इजी निकल जाती है गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलो ऐसे करते हैं, यहाँ पे हमारे एक फ्रेंड का रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे चलते हैं, पहले कुछ स्नैक्स और चाय कॉफी पीते हैं, फिर क्लाइंट के पास चलते हैं, थोड़ा सा टाइम है अभी। तो ये कैनल दिखाइए, इसी कैनल से के बगल से हम आ रहे थे, जल्दी जहां से हटे प्लीज। यहाँ पे पुलिस भी खड़ी थी, तो पुलिस वाले जान पहचान वाले थे, तो उन्होंने छोड़ दिया हमें, तो भी बस ये पास में ही है। तो ये आ गया राइस पंप आ गया, तो इसके बगल में ही है जिमीदारा ढाबा, तो ये इस एरिया का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, सबसे बढ़िया और फैमिली रेस्टोरेंट है, आप कभी कभी जब भी आप मन करे आप इधर आ सकते हैं, तो अच्छा एरिया है, साफ सफाई बहुत है, बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो माननी पड़ेगी, क्लीन है बिल्कुल, क्लीनिंग के मामले में बहुत अच्छा है, सर्विस के मामले में बहुत अच्छा है, और फूड के बारे में भी बहुत अच्छा है, तो स्पेशल लोग दूर से भी इधर खाने को रुकते हैं, तो चलो फैमिली ही बहुत रुकती है बाहर से जो आती है, इधर रूम्स का भी है, जैसे आप कहीं पे लेट हो गए या कोई दिक्कत परेशानी आ गई तो आप यहाँ पे एक रीजनेबल अमाउंट पे स्टे भी कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं रणजीत, पहले चलते हैं अंदर। हाँ चलो, फिर मिलते हैं गाइस।
गाइज मिलते हैं आपको एक और ब्लॉग में, अभी तक के लिए टाटा बाय बाय। बिकॉज अभी थोड़ा सा हमें जरूरी काम पड़ गया और हमें दिखाना जाना पड़ा कहीं पे, तो इस वजह से अभी उधर जा रहे हैं क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए। आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में हम मिलते हैं, तब तक के लिए शुभकामनाएं, जय श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल, ओके बाय बाय।